देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है ब्रह्मांड ज्योतिष परामर्शदाता डॉक्टर संतोष तिवारी जी। आइए जानते हैं उनका परिचय। मैं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में अतिथि प्राध्यापक के रूप में अभी विगत 3 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरे संस्थान का नाम है ब्रह्मांड ज्योतिष परामर्शदाता। इस संस्था का मैं संचालक हूँ और कुछ कार्य योजनाएं में इस ज्योतिष के विगत 25 वर्ष से कार्य करते करते मैंने जनमानस में कुछ खामियां कमी और इन सब को देखते हुए मेरा विश्वान समाज साधक परिवार संस्थान विगत 20 वर्ष से है, जिसके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। पंडित जी, विश्ववान समाज साधक परिवार का उद्देश्य क्या है? मैं विगत कई वर्षों से ज्योतिष कार्य के अनुरूप संचालन करते करते मैंने यह पाया कि मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है और मनुष्य किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करके वह पुनः रिचार्ज होता है और रिचार्ज होकर के जनमानस को ऊर्जा प्राप्त होने के बाद वह धन का उपभोग करता है। और इस पर ज्योतिष विधा पर आधारित तमाम विषय है, तमाम कार्य योजना है, जिसके अंतर्गत जो जगत का पालने वाला है, जगत को चलाने वाला है, जगत को संचालन करने वाला है, वैसे देवलोक में भगवान विष्णु जी हैं जो सनातनी परंपरा पर वह पूर्ण ऊर्जावान है और सभी देवी देवता जो हैं उनके ही अंश हैं। भगवान का विराट स्वरूप है, अर्जुन को कृष्ण अर्जुन संवाद में भगवान ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया और वह स्थल जो था आरंग नामक नगरी था जहाँ मूरध्वज ताम्रध्वज राजा की कहानी पर वह वृतांत प्रारंभ होता है, वह हमारे छत्तीसगढ़ का ही घटना है, आरंग नामक नगरी जो है। और इसी क्रम में हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन किया जा रहा था। विगत कुछ वर्षों से कुंभ का आयोजन जो है कुछ वर्ष तक चला, उसको सरकार बदलने से उसको मेला का रूप रेखा दिया, जिसमें राजिम नामक नगरी थी वह सृष्टि का प्रारब्ध काल का सर्वप्रथम नगरी था। भगवान विष्णु और शिव ने जब अपना नेत्र खोला तो उनको राजिम नामक धरती उनको दिखाई दी, उसके बाद ही भगवान जो थे वह शिव जी का विवाह होना तय था। और वह शिव जी का जब विवाह होना तय हुआ, सुनिश्चित हुआ, तो नगरी सबसे प्रथम कहाँ बसेगी इसके खोज में निकले तो वह काशी नामक नगरी थी, क्योंकि शिव जी का विवाह सती के साथ पार्वती के रूप में होना तय था। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं थका थकाया हूँ और मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ, यह कहकर शेष सैया पर राजिम नामक धरती पर वह विश्राम करने लगे और कहने लगे, आप देवों में महादेव हैं, जहाँ आप नगरी बसाएंगे उसे मैं यहीं से आत्मसात कर लूँगा। यह कह करके भगवान शेष सैया पर सो करके राजिम नामक नगरी में, वह काशी नामक नगरी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ और शिव जी का सती के साथ विवाह हुआ और पार्वती माता के रूप में यह सृष्टि का संचालन और प्रारंभ हुआ शिव पार्वती के रूप में। और वहाँ से जो गंगा बही वह राजिम नामक धरती में आकर के पद्म पुराण के अनुसार वह भगवान के चरणोदक चरण को धोई और जिससे वह गंगा स्वयं पवित्र हो गई। इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसमें विष्णु जी की अनन्य कृपा है, जिसके कारण यह खनिज संपदा आदि से भरपूर और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, हरियाली से यह भरपूर है, इसलिए यह जो प्रदेश है उसमें किसी प्रकार से कोई कमी और जन धन सभी चीज़ का यहाँ पर परिपूर्णता है और यहाँ के अनाज आदि का देश विदेश सभी जगह आयात निर्यात का कार्य, देशाटन का कार्य होता है। और इस प्रकार से हमारा जो विश्वान समाज साधक परिवार है, मैंने कार्य करते करते एक समय लक्ष्मी पूजन के दिन भगवान
से जब किसी घटनाक्रम पर मेरे गुरु जी डॉक्टर पूज्य गुरु डॉक्टर नारायण दत्त माली जी को मैंने अपना गुरु बनाया, और एक समय उसी कालखंड में मेरे गुरु जी स्वर्गवास हुए, और उसी समय ही मेरी माता जी सुशीला देवी तिवारी का स्वर्गवास हुआ, और उस स्वर्गवास के उपरांत में मुझे भगवान से कुछ प्रेरणा स्रोत के रूप में, कुछ आत्मकथा के रूप में, मुझे प्रेरणा स्रोतक के रूप में मुझे कथा और कहानी का स्वरूप, उत्पत्ति का स्वरूप हुआ विश्वनाथ समाज साधक परिवार का, जो सन जुलाई के महीने में सन 1998 की घटनाक्रम पर वह आधारित था, और उसके बाद से यह विश्वनाथ समाज साधक परिवार का उत्पत्ति का स्वरूप हुआ। और इसी बीच में जब शासन और सरकार की तरफ से राजिंद्र को कुंभ का दर्जा मिला और राजिंद्र को कुंभ के रूप में जब बनाया गया, तो उस समय वहाँ पर विगत कुछ वर्षों से जब तक कुंभ का आयोजन चलता रहा मैं उस पर जुड़ा रहा। और इसका प्रमाण यह बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से कि विश्वनाथ समाज साधक परिवार एक प्रकार से जब खगोल के हिसाब से जब देखा जाता है ब्रह्मांडी गोलाकार उसमें जब ब्रह्मांड में देखा जाता है तो बड़े खगोल और बड़े खगोल विश्व खगोल भारत खगोल और छत्तीसगढ़ खगोल, तो जब बड़े गोला के बीच में एक मध्य गोला भारत गोला है और भारत गोला के बाद मैंने छत्तीसगढ़ गोलार्ध है, तो इस गोलार्ध में छत्तीसगढ़ मध्य भाग में आता है, हृदय स्थल इसको कहते हैं। तो उस गोलार्ध से यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ गोलार्ध में राजिम नामक नगरी जो है अग्निकोण में पड़ता है। अग्नि अपने आप में देवता है, जल अपने आप में देवता है, पंच महाभूत में पंच तत्व ही देव हैं, पंच तत्व ही देव हैं यह वेद के अनुसार कहा गया है। जैसे अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, ये सब जो तत्व हैं वह विशेष रूप से पंच तत्व जो हैं उस पर भगवान निर्भर रहते हैं, भगवान पर समाहित रहते हैं, भगवान इन्हीं के माध्यम से जगत का पालन करते हैं, और ये तत्वों के माध्यम से मनुष्य का भरण पोषण होता है। ऊर्जा विज्ञान के हिसाब से भी कहा गया है ऊर्जा सर्कुलर है और ऊर्जा रूपांतरित होता है, और जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। इस सिद्धांत पर भी विज्ञान का कहना है कि ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। तो ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, ऊर्जा क्या है, इसको ही जानने का मेन तथ्य है। और वह भगवान जो है विश्व के पालनहार हैं विष्णु जी। तो इस प्रकार से राजिम पर राजीव लोचन जी जो हैं, राज जिसमें जीवों का हो उसका नाम ही राजीव हो सकता है, जिस पर जीवों का राज हो जिस पर उसका नाम ही राजीव लोचन हो सकता है। तो राजीव लोचन ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में युगों युगों से सृष्टि प्रारंभ काल से ही वास कर रहे हैं। इसके बाद ही काशी नामक नगरी का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुआ, और इस प्रकार से विश्वनाथ समाज साधक परिवार के उत्पत्ति के स्वरूप के रूपरेखा में मैंने कार्य प्रणाली और कार्य योजना बनाते हुए कार्य किया, जिससे मनुष्य को जन धन का ऊर्जा हमारे यहाँ व्याप्त है लेकिन उसको ग्रहण कैसे करें और मनुष्य तक जन जन तक कैसे पहुँचाएँ, उनकी दरिद्र बाधा दोष को कैसे दूर करें। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कैसे अपने कार्य प्रणाली में यशस्वी नामी गिरनामी और यश कीर्ति मैं प्राप्त कर सकूं, अपने कार्य में मैं कैसे सफलता प्राप्त कर सकूं, आप कोई उपाय बताइए। तो उस प्रैक्टिस स्वरूप उपाय के रूप में मैंने अपने निष्कर्ष से कई हजारों व्यक्तियों को मार्गदर्शन करते हुए विश्वनाथ समाज साधक परिवार से उनके परिवार को सुख शांतिपूर्वक जीवन यापन करने का मैंने मार्ग प्रशस्त किया, और उसके माध्यम से ये विश्वनाथ समाज साधक परिवार की उत्पत्ति हुई। और इसके लिए अब हमारा कार्य योजना ये है कि इस कोरोना के महामारी कालखंड में सभी जो यहाँ पर किसान मजदूर कृषक और सभी लोग जो हैं इस कोरोना के महामारी काल में ये लोग जो हैं भटक चुके हैं, उनको कैसे कम समय में जनता ही जनार्दन है ना, इसलिए जनता जब जनार्दन है
तो जनता जनार्दन को भी चार्ज कैसे किया जाए, उनको कम से कम में, कम से कम खर्चे में क्या प्रचित स्वरूप उपाय बता करके उनको फिर से रूपांतरित करके उस ऊर्जा को ग्रहण करके हम धनपति सुख धनवान हो, सुखवान सुखी पूर्वक अपना जीवन यापन करें। इसी क्रम पर मैं विश्वनाथ समाज साधक परिवार के लिए जनमानस को सुख शांति देने के लिए अभी मैं आप लोगों के सामने डीएनएक्स टीवी के समक्ष है, मैंने अपने कार्य उद्देश्य का रूपरेखा बना बताया और जो जनता मुझसे जुड़ना चाहता है वो केवल अपना नाम दान करेंगे और इस साधक परिवार में अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करा करके वह जीवन पर्यंत आजीवन सदस्य बन करके अपने आप को अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसके लिए मैं लोगों को मार्गदर्शन करते हुए ब्रह्मांड ज्योतिष परामर्शदाता के संचालक के रूप में मैं विगत 25 वर्ष से कार्य कर रहा हूं और साथ में और अभी वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में अतिथि प्राध्यापक के रूप में विगत 3 वर्ष से पढ़ाता भी हूं। तो इस हिसाब से मैं अपना परिचय विश्वान समाज साधक परिवार के रूप में आप लोगों के समक्ष ये बात रखा। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि नाम दान करना है, तो इस परिवार से जुड़ने के लिए साधक को क्या करना होगा? अब देखिए, विश्वान समाज साधक परिवार का उत्पत्ति का सारा रूपरेखा मैंने बता दिया और विद्यार्थी जीवन मार्गदर्शन केंद्र समिति के नाम से संस्था रजिस्टर्ड है, जिसमें इससे संबंधित जो भी हमें इनकम या जो भी प्रदान होगा उसके माध्यम से संस्कृत से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय समय पर उसको सहायता सहयोग के रूप में दिया जाता है। गौशाला आदि में गौ आदि के लिए उनको खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो इनकम उसे आप लोगों से जो जनता के द्वारा दिया जाएगा उससे उस साधक परिवार के माध्यम से जनहितार्थ कार्य किया जाएगा, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो जो भगवान है वो गौ के वृष के गाय के बहुत ही प्रेमी हैं, इसलिए गाय का प्रतिपालन होना चाहिए, तभी हमको दूध आदि पदार्थ पेय पदार्थ मिलेगा और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और गौ का रक्षा होगा। इस प्रकार से इसमें जो इसका साधक परिवार से जो हमें इनकम होगा उसको हम समय समय पर अपने हिसाब से जनमानस के लिए जनसेवार्थ उससे कार्य करते रहते हैं और संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य इसके माध्यम से होता है। चर्चा करने के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष तिवारी जी। ऐसी ही चर्चा हम अपने चैनल पे करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए।